रियलाइज इन माई जर्नी इज दैट यू डोंड टू डू समिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू जस्ट नीड टू डू नॉर्मल थिंग कंसिस्टेंटली और आपको भी लग रहा होगा कि क्या ये बोलती रहती है ए टास्क पर हो टू मंथ में बट ट्रस्ट में गए अभी तो कुछ नहीं है एग्जाम से एक महीने पहले सब पढ़ते हैं चौदह पंद्रह घंटे जब तुम पढ़ोगे ना तुम वो फ्लो में आ जाओगी पढ़ाई के तब एक महीने पहले तुम्हें रियलाइज होगा यार मैं अगर ये जो स्टार्टिंग का टू मंथ्स है मैं सिर्फ एट एट आवर्स भी इफेक्टिवली पढ़ लेता ना तो हो जाता ये सेम चीज़ जो मुझे रिलाइज़ हुई है ना कि हमें नॉर्मल कंसिस्टेंट रहना है ये आपको रिलाइज़ होगा कब होगा एग्जाम के एक महीने पहले सो so, मैं उस कंडीशन में बहुत बार आ चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट बी कंसिस्टेंट टू द रूटीन जो भी आप रूटीन बना रहे हो चाहे तो मेरा रूटीन भी कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे करती थी सबसे पहले एट ए एम आई यूज टू अप ठीक है फिर एट टू एट थर्टी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता था तो फिर एट थर्टी टू टेन यू कैन हैव लाइक जिम कर सकते हो वर्कआउट कर सकते हो योगा कर सकते हो या फिर जो जो तुम्हें मतलब शावर करना है ब्रेकफास्ट करना है और सारे बुक्स जो भी कलेक्ट करना है सब कुछ कर सकते हो आराम से ठीक है उसके बाद सबसे पहला स्लॉट होगा तुम्हारा टेन टू वन का ठीक है ये थ्री आर्स का पहला स्लॉट है जिसमें ट्राई करो कुछ नया और थ्योरी पढ़ो ठीक है क्यों, क्यों बोल रही हूँ थ्योरी क्योंकि तुम जस्ट उठे हो ठीक है तो तुम्हारा जो मतलब एकदम दिमाग शांत है तुम आराम से चीज़ें याद कर सकते हो ठीक है तो सुबह आराम से थ्योरी कर लो और कैसे कैसे पढ़ना है थ्री आवर्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है एंड ऑल्सो कुछ लोग बोल रहे हो कि थ्री आवर्स में होगा कि नहीं होगा फर्स्टली सी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परफेक्टली आपसे वो चीज़ें कंप्लीट ना हो थ्री आवर्स में बट इम आप फिर भी सही पोजीशन पे रहोगे आपको कुछ तो किया है आपने उस चैप्टर का और जो बचेगा बाद में सेकेंड स्लॉट में उसको पूरा कंप्लीट कर लो लेकिन ट्राई करो थ्री आवर्स में पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो उसके बाद तो वन टू टू होता था मेरा लंच ब्रेक एंड आल्सो मैं लंच के बाद थोड़ा वॉक कर लेती थी ठीक है और वॉक करके करते मेरा टीवी भी देख के हो जाता था आप कर सकते हो कि लंच ब्रेक में आप टीवी भी देख सकते हो उसके बाद होता है टू टू फाइव का स्लॉट जहाँ पे मैं करती थी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई गेस बेस्ट टाइम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने का बिकॉज यहाँ पे आपको लर्न नहीं करना है चीज़ें तो आपकी ज़्यादा एनर्जी नहीं जाएगी यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी होती है ठीक है सबसे पहले उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है मैं क्या करती थी यूजली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कोई भी मतलब समझो टैक्स पढ़ना है मुझे मैं कोई भी मैराथन खोल लेती थी ठीक है उसके बाद जो टीचर समझा रहा है समझो आधा घंटा देख लिया फिर टैक्स एक दो सब्जेक्ट टॉपिक देख लिया वीडियो बंद करती थी तब भी मैं रीड करके समझ लेती थी और आई वुड सजेस्ट अगर आपने अभी तक ख़रीदा नहीं है टैक्समैन का स्कैनर फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्लीज़ खरीद लो इट इज़ रियली हेल्पफुल आप ऐसे मैं डेली बताती हूँ क्या करती थी मैं ऐसे मैराथन देखती थी खुद को समझाती थी और ये टैक्स का स्कैनर सॉल्व कर लेती बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ठीक है ये आप कर सकते हो इन योर आफ्टरनून इससे क्या होगा मैराथन चल रही है तो आपको नींद भी नहीं आएगी एंड ऑल्सो आप ये कुछ ना कुछ सॉल्विंग में हो तो आप आराम से ये वाला टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो सो फाइव टू सिक्स वापस आपका टी ब्रेक होगा ठीक है लेकिन ट्राई करना आप थर्टी मिनट्स टी ब्रेक कर लो ठीक है एंड ट्रस्ट मी गाइस मेरे लिए टी ब्रेक बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया था क्योंकि मैं उसको खुद को रिवॉर्ड काइंड ऑफ समझ रही थी एंड ट्रा, करना ट्राई करना सुबह का स्लॉट पढ़ना आफ्टरनून का स्लॉट पढ़ना फिर जाके तुम चाय और जो तुम्हारी फेवरेट बिस्किट है कुकीज़ है वो खाना तब जो तुम्हें अच्छा लगेगा ना ट्रस्ट मी मैं तो मैं अभी तो चाय छोड़ दिया है बिस्किट छोड़ दिया है मैंने सब कुछ छोड़ दिया बट एग्ज़ाम टाइम में खुद को रिवॉर्ड करने के लिए कि यार मैंने अभी सिक्स आवर्स की पढ़ाई कर लिया ढंग से मैं अभी मेरा हक का जो था ना वो चाय पियो और मज़े में मम्मी से बात करूँ ये सब करती थी मैं एंड ऑल्सो जो थर्टी मिनट्स आपको यहाँ पे बच रहे हैं यहाँ पे आप कर सकती हो रिकॉल यानी कि जो सुबह आपने पढ़ी थी ना कोई भी चीज़ जो भी प्रयास ही पड़ा था यहाँ पे आपको एक शीट में मैंने आपको शीट का पहले ही बताया था कि कैसे मैं शीट में पढ़ती थी ठीक है अगर आपको नहीं पता कि मैं शीट में कैसे पढ़ती थी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ उस वीडियो का आप देख सकते हो तो मैं शीट उठा के बस रिकॉल करती रहती थी एंड ऑल्सो मैंने सिर्फ दो रिविज़न किया है सो so, कल का वीडियो इसी पे है कि कैसे मैंने दो रिविजन में ही आराम से क्लियर कर लिया अपना एग्जामिनेशन फाइव सिक्स रिविज़न ना लगे तो इसलिए मैं ऐसा करती थी सुबह जो पढ़ा यहाँ पे लंच ये क्या बोलते हैं टी ब्रेक में आराम से उसको रिकॉल कर लिया हाफ़ एन आवर में या फिर फिफ्टीन मिनट्स में जितना आप क्यों आपको उसे बताना है जो आपने तब पढ़ा था उसके बाद सिक्स टू नाइन आपका होगा ये थर्ड स्लॉट ऑफ थ्री आर्स अगेन आप इसमें थ्योरी ले सकते हो बिकॉज ये इवनिंग का टाइम है इवनिंग में, में थोड़ी एनर्जी होती है हमारे में तो आप आराम से थ्योरी ले सकते हो एंड ऑल्सो जो बच्चे हैं जो सुबह जिम नहीं जा रहे हो या फिर कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं आई वुड सजेस्ट आप नौ से पढ़ना चालू कर दो तो क्या होगा आपका शाम का जो सिक्स टू सेवन है ना आप यहाँ पर चाहिए तो वॉक कर सकते हो अगर आपको जिम जाना है योगा करना है आप ऐसे मतलब चेंज कर सकते हो थी? ठीक है, लेकिन आई वुड सजेस्ट अगर आप जिम जा रहे हो सुबह ही कंप्लीट कर लो क्योंकि फिर बाहर आना जाना उससे अच्छा हाँ सिर्फ वॉक करना है वन आवर घर पे तो आप ऐसा चेंज कर सकते हो ठीक है तो नॉर्मल जो मैं करती थी बता रही हूँ फिर सिक्स टू नाइन एकदम थ्योरी सब्जेक्ट आपको करना है थ्री आर्स अगेन उसके बाद नाइन टू टेन आपका होगा डिनर ब्रेक डिनर ब्रेक अगेन थर्टी मिनट्स का करो एंड उसके बाद थर्टी मिनट्स अगेन आपको रिकॉल करनी है क्या रिकॉल करना है अभी जो इससे पहले जस्ट आपने पढ़ा थ्योरी वो आपको रिकॉल करना है तो समझो हम थ्योरी को ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं यानी कि जो हमने सुबह पढ़ा वो हम टी ब्रेक में रिकॉल कर लेंगे हाफ एन आवर में ठीक है अभी जो हमने शाम को पढ़ा वो हम ये डिनर टाइम में थर्टी मिनट्स में रिकॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपका लास्ट स्लॉट होने वाला है टेन टू ट्वेल्व टू आवर्स का तो वापस आप ये वाले आज में प्रैक्टिकल कर सकते हो वैसे ही मेथड में मैराथन खोलो क्योंकि आपको नींद आ सकती है इस टाइम पे और ऊपर से जस्ट डिना क्या होता है तो आप मैराथन खोलो टैक्समैन का स्कैनर सॉल्व करो तो आप ये कर सकते हो एंड मेन टेन टू सॉरी ट्वेल्व टू वन आपको रखना है सोशल मीडिया टाइम अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड से बात करने का टाइम एवरी थिंग इज़ ट्वेल्व टू वन करना है मैंने सोशल मीडिया पूरे दिन में आप देख सकते हो मैंने टी वी का जिक्र किया कि टी वी देख लो पर सोशल मीडिया मैंने उतना नहीं रखा है हाँ आप वन टू टू के बीच में थोड़ा सोशल मीडिया देख सकते हो क्योंकि उसमें मैंने कोई रि रिकॉल का नहीं रखा है आप फिर देख सकते हो वन टू टू के बीच में एंड लास्टली आपको रात को बारह से एक आप देख सकते हो या फिर आप अगर अपने हिसाब से जब भी आप सोने जा रहे हो उससे वन आवर पहले या फिर टू आवर पहले आप सोशल मीडिया को दो क्यों बताती हो सबसे पहले हमें लगता है सोशल मीडिया क्या ही चीज़ है बस स्क्रोल कर रहा हूँ नहीं आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रहा है इनफैक्ट मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ जो पढ़ाई है ना बहुत स्लो प्रोसेस है ठीक है आपको कंसंट्रेशन लगता है लेकिन जो रील्स है ना बहुत ज़्यादा फास्ट दुनिया है आपको इतना ऐसा करते करते ना हमारा इतना एनर्जी चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता इसलिए आई वुड सजेस्ट रात के बारह से एक एंड ट्रस्ट मी पूरा दिन पढ़ाई करो फिर जब तुम सोशल मीडिया चलाओगे ना तुम्हें लगेगा यार मैंने कुछ तो कर लिया मतलब रिजल्ट तो छोड़ो बाद में आती है लेकिन तुम जब फॉलो कर लेते हो पूरा दिन जो तुमने सोचा है तुम पढ़ लेते हो फिर तुम करते हो ना मतलब सोशल मीडिया चलाते हो ना फ्रेंड से बात करते हो तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ या फिर जो नॉट ज़रूरी सी एस की फ्रेंड से ही बात करो दूसरे फ्रेंड मेरे मैं सच्ची बताऊँ सी एस से ज़्यादा मैं दूसरे फ्रेंड जो सी एस नहीं कर रहे थे उनसे बात कर रही थी कि उनको बोल रही थी हाँ पता है मैंने इतना पढ़ाई किया वैसा वैसा फिर उसके बाद अगर आपने जो जो सोचा था लाइक दो सब्जेक्ट में जो आपका टारगेट था पर्टिकुलरली एक दिन का ठीक है तो आप आराम से वन टू एट सोच सकते हो आपकी सेवन आवर्स की स्लीप हो जाएगी लेकिन अगर कुछ बच गया हो या फिर आज आपको सुबह बाहर जाना पड़ा या फिर कोई भी काम आप कर सकते हो कि वन टू टू आप अपना जो भी बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लो एंड ऑल्सो अगर आपको बैकलॉग ज़्यादा लग रहा है आपको लग रहा है कि आ, आपको और टाइम चाहिए तो आप ट्राई करो कि उस दिन सोशल मीडिया को थोड़ा कम टाइम दो और ट्वेल्व टू टू आप वापस ये बैकलॉग कर सकते हो लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दो से आठ तो सोना ही है यानी कि सिक्स आवर्स की मिनिमम स्लीप बहुत ज़्यादा क्रूशल है स्पेशली ये टू मंथ्स में सी एग्ज़ाम्स पहले इट्स ओके okay, आप थोड़ा कम सो चलता है ठीक है लेकिन अभी जो टू मंथ्स है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है कि आप सिक्स आवर्स की स्लीप लो ही तो आप देख सकते हो हमारा ये इलेवन आवर्स का था जिसमें इलेवन आवर्स प्रॉपर हमने स्टडी की वन आवर जो हम रिकॉल कर रहे हैं रिविजन के लिए रखा तो ट्वेल्व आवर्स ऐसे आराम आराम से बन गया और आपको पता भी नहीं चलेगा वो तो बर्डन भी नहीं था ये एंड ऑल्सो हमने एक बफर स्लॉट भी रखा है रात के एक से दो ठीक है अगर ज़रूरत पड़ी क्योंकि सिक्स आवर्स की स्लीप तो आपको लेनी ही है सो so अगर देखा जाए तो ये थर्टीन आवर्स का रूटीन है इलेवन आवर्स स्टडी वन आर रिकॉल और वन आर इज़ बफर टाइम अगर आप कभी बाहर गए तो सो दिस इज़ वॉट आई यूज टू फॉलो एंड अगेन जस्ट बी कंसिस्टेंट ठीक है एंड ऑल्सो मैं आपको एक रियालिटी बताती हूँ ये मैंने नोटिस किया था पहले मुझे लग रहा था कि यार मैंने दस से एक पढ़ा थ्री आवर्स पढ़ लिए लेकिन जब से मैं वो टाइमर लगा के खुद को वो ट्रैक योर सेल्फ करने लगी ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी आज अगर थ्री थ्री आज का मैं अगर ये तीन बार भी पढ़ रही हूँ ना तो समझो मैं आठ ही घंटे पढ़ रही हूँ क्यों तीन घंटे में से हम सिर्फ दो घंटे का ही प्रोडक्टिव निकलता है और आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रही है ट्रस्ट मी ऑन दिस मैं जब भी आफ्टरनून में अपना टैक्स लेके बैठती थी, थी ठीक है मैं टू टू फाइव में से सिर्फ टू आवर्स मेरा टिक होता था हाँ मैंने प्रॉपर टू आर्स की पढ़ाई की तो इसलिए बोल रही हूँ भले ही आपको कोई बता रहा है सोलह या बहुत ज़्यादा देर का टाइम तो जो प्रोडक्टिविटी होती है ना बहुत कम की निकलती है ठीक है और मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि हमें क्या लगता है यार हम हमसे पढ़ाई नहीं हो रही हम उतना नहीं कर पा रहे इट्स नॉर्मल ठीक है इसलिए मैंने आपको बोला है कि एट आवर्स पढ़ो क्योंकि अगर कोई ट्वेल्व आवर्स भी पढ़ने बैठ रहा है ना मुझे तो पता है कि मैंने ये ट्रिक नि, ट्रिक निकाला है कि हाँ खुद को ट्रैक करो तो पता चल गया कि अगर तुम बारह घंटे बैठ रहे हो फिर भी तुम एट आवर्स की ही प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एट आर्स बैठेंगे तो जाके एट आवर्स बैठेंगे तो ऐसा नहीं होता है आपको ज़्यादा ही बैठना है उसमें से प्रोडक्टिविटी आठ घंटे की निकलेगी ठीक है सो दिस वाज़ द रूटीन विच आई यूज टू फॉलो एंड आल्सो कल आ रहा है कि कैसे आप दो रिविजन में आराम से लाइक like रिकॉल कर सकते हो आराम से कैसे पढ़ाई कर सकते हो एज सी आई थिंक फ़ाइव टू सिक्स रिविजन वाले कुछ अलग चीज़ यूज़ करते हैं और दो रिविज़न वाले कुछ अलग टेक्निक यूज़ करते हैं पढ़ते दोनों ही है लेकिन थोड़ा टेक्निक अलग होता है तो कल डिटेल में बात करेंगे वाई आई टेक टू लाइक टू रिविज़न और क्यों बाकी सब फाइव सिक्स रिविजन लेते हैं ठीक है तो आई होप दैट विल डू विल हेल्प यू सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सी एस जर्नी